नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई में चिकन बिरयानी। ये बिरयानी कढ़ाई में बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। इससे पहले आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना नहीं भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस बिरयानी को मैं बनाऊँगी लकड़ी वाले चूल्हे पर। तो यहाँ सबसे पहले हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रहे हैं सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा। जीरा चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें है दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, जावित्री, बड़ी इलायची। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको चीरा लगाया है हमने। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें कम ही बनाना है। साथ में हम इसमें डाल देंगे कढ़ी पत्ते। कढ़ी पत्ते डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो इसको भी हम थोड़ा देर भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये 1/2 किलो चिकन हमने लिया है और इसे हम करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए चिकन फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे भी हम थोड़े देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच हम गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। नमक अभी हम कम ही डाल रहे हैं, चिकन के हिसाब से डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये जो चिकन है अच्छे से गल जाए। पानी मिलाने के बाद हम इसे ढक देंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 7 मिनट हो चुका है और यहाँ देखिए चिकन से तेल भी अलग होने लगा है। ये अच्छे से भून रहा है अभी। तो फिर से हम इसे ढक देते हैं करीब 5-7 मिनट तक के लिए। यहाँ देखिए ये चिकन जो है 50% तो पक गया है। इसके बाद हम इसे चला देते हैं और 1-2 मिनट तक हम इसी तरह भूनते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल ये बासमती चावल है, आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। बिरयानी काफ़ी अच्छी ऐसे ही बन जाती है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं बिरयानी मसाला। तो चावल को पहले हमने 1/2 घंटे तक भिंगो के रख दिया था, 10 मिनट पहले हमने छान भी लिया था। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे करीब 7 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि ये चावल जो है अच्छे से भून जाए। इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसमें हमें डाल रहे हैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर और 1 चम्मच घी। ये देसी घी है, इन दोनों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। साथ में हम डाल देते हैं नमक और नमक को भी अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी चावल से थोड़ा सा ज़्यादा डालें, उससे कम ना डालें और ना ही बहुत ज़्यादा डालें, नहीं तो चावल जो है गीला हो जाएगा। कढ़ाई में चिकन बिरयानी बनाने से यही एक फ़ायदा है कि अगर इसमें पानी कम हो गया तो आप बाद में भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देते हैं कम से कम 15-20 मिनट तक के लिए और इसे पकने देते हैं। यहाँ देखिए 15-20 मिनट करीब हो चुका है और इसको मैं चला के चेक कर रही हूँ। देखिए कितनी खिली खिली सी बनी है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिला देती हूँ हल्के हाथों से। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे करीब 5 से 7 मिनट तक के लिए और इसे हम चूल्हे पर से उतार कर रख देंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना खिला खिला ज़बरदस्त सा बिरयानी बनके तैयार हो गया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसे हम आपको एक बर्तन में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा बना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी हुआ था। और इसे
हर कोई बना सकता है, हर किसी के लिए आसान है। जो बिगनर है वो तो बिल्कुल आराम से इसे बना सकते हैं। इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी खाने का मन करे आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।